नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पसीने की बदबू करती है शर्मिंदा तो अपनाएं ये आसान तरीके के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। मई महीने की इस चिलचिलाती धूप में अगर आपके शरीर से आने वाली पसीने की दुर्गंध आपके लिए शर्म का कारण बनती है, अपने शरीर से पसीने की बदबू हटाने के लिए आप मौका मिलते ही बाथरूम में घुस जाते हैं, बावजूद इसके आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग भी अब आपसे बात करने से कतराने लगे हैं, तो घबराए मत, बस इन आसान तरीक को अपनाकर खुद को दिन भर खुशबूदार और फ्रेश बनाए रखें। गर्मियों में आप चाहे कितना भी नहा लें, लेकिन शरीर में पसीने की बदबू आपको फ्रेश फील नहीं होने देती, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे अंदर हीन भावना भी आ जाती है। खुद को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमें चमेली के फूलों को एक बाथ टब में कुछ देर तक लकर रखने के बाद स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आप दिन भर फ्रेश फील करेंगे। अगर आप खुद को बिना डीओ के इस्तेमाल के ही फ्रेश फील करवाना चाहते हैं तो आपको गुलाब के पत्तों से नहाना चाहिए। इसके लिए आपको देसी गुलाब के 5 से 6 पत्तों को एक जग पानी में मिलाकर रखना होगा। रोजाना की तरह नहाने के बाद आखिर में आप गुलाब के पत्तों वाले पानी से नहा लें। ऐसा करने से आप दिन भर खुशबूदार बने रहेंगे। गर्मी में अगर आप भी फोड़े फुंसी जैसी कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो आपको नीम के पत्तों से नहाना चाहिए। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी को ठंडा कर लें। पानी ठंडा होने के बाद उस पानी से स्नान करें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।